नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रीक थिंकर्स पढ़े थे और उसमें से हमने होमर हिकेटिस को पढ़ लिया था, उनके मैथ्स भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए थे और आशा है कि हमने बनाए भी होंगे। तो दोस्तों, जो ग्रीक थिंकर्स है उसमें हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर में कोशिश रहेगी कि हम ग्रीक जो थिंकर्स हैं उनको कंप्लीट कर लें। तो अभी हम देखते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी जो विचारक थे, तो इनका जो जन्म था वो हेलिकार्निसस नगर टर्की में हुआ था। हेलिकार्निसस नगर टर्की में हुआ था। टर्की का मैप हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है और आपने ड्रॉ भी किया होगा। ग्रीक हिस्टोरियन थे ये बेसिकली, और इनका भूगोल में योगदान था क्योंकि उस टाइम भूगोल को हिस्ट्री की दृष्टि से ही पढ़ा जाना माना जाता था, या फिर भूगोल की जो स्टडी है वो हिस्ट्री पे बेस्ड होती थी। तो इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हिस्ट्री पे बेस्ड ही इनकी जो बुक है वो हिस्टोरिकल, इसमें भी भौगोलिक स्थानों का वर्णन है। जो इन्होंने यात्राएं की या फिर इनके पास जो भी जानकारी के स्रोत थे उनका संकलन है हिस्टोरिका। और इनका योगदान हम देखेंगे, इससे पहले हेरोडोटस ने जो विश्व मैप दिया था, विश्व का मानचित्र दिया था, उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो हेरोडोटस का विश्व मैप है, जो वर्ल्ड मैप है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और आप उसमें टैली कर सकते हैं। हेरोडोटस ने बेसिकली जो हेरोडोटस का जो मैप है उसमें इन्होंने डेन्यूब नदी को सबसे बड़ी नदी बताया था और नील नदी में आने वाली बाढ़ का भी वर्णन था। उसमें नील नदी का जो इन्होंने जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व दिखाया था, तो यहाँ इन्होंने गलती कर दी थी। और जो अजोव सागर है उसको इन्होंने काला सागर, जिसको युगजीत सागर कहा जाता था, उससे भी बड़ा बताया था। तो अजोव सागर को उस टाइम पालुस मायोतिस कहा जाता था, तो इन्होंने काला सागर को अजोव सागर को काला सागर की माँ कहा। और बेसिकली जो आज हम देख पा रहे हैं कि अजोव सागर है वो काला सागर के 1/12 भाग से बड़ा नहीं है, यानी कि अजोव सागर बहुत छोटा है उससे, पर इन्होंने उसको बहुत बड़ा बताया था, तो ये इनकी गलती थी, ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और इन्होंने जो नील नदी में जो आने वाली बाढ़ थी उसका ऐतिहासिक वर्णन किया, इसी वजह से इनको ज्यादा जाना जाता है। इन्होंने कहा कि इथोपिया जो पूर्वी उच्च भूमि अफ्रीका की, वहां से ये प्रतिवर्ष है वो बाढ़ है, वो उसमें मड जमा होने से, मड और गाद सिल्ट जमा होने से यहाँ बाढ़ आती है। तो दोस्तों आप इसमें देख आप मैं टेली कर पाए होंगे, तो इसमें इन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया, ये इन्होंने बहुत इनकी जो अचीवमेंट थी। इनसे पहले जो भी विद्वान थे उन्होंने कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर की भुजा बताया था, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा बताया था। और इनको गंगा मैदान का भी नॉलेज था, गंगा मैदान का नॉलेज नहीं था, भारत का इनको अच्छा नॉलेज था। इन्होंने सिंधु नदी का उद्गम है वो भी गलत बताया था, और सिंधु नदी का भी इन्होंने पश्चिम से पूर्व बताया था, और जो बंगाल की खाड़ी है उसके आगे के बारे में इनको नॉलेज नहीं था। बेसिकली अफ्रीका के बारे में इनका नॉलेज था वो अच्छा था, पर नील नदी के बारे में जो नॉलेज था इनका वो सही नहीं था। तो आपने मैप में टैली किया होगा, ईस्टर्न नदी है जो डेन्यूब नदी है उसको सबसे बड़ा बताया था, सिंधु नदी का भी उद्गम इन्होंने गलत बताया, नील नदी को भी गलत बताया, यूरोप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप बताया, और एशिया और लीबिया है उनको एक एशिया और लीबिया दोनों मिलकर भी यूरोप से छोटे ही बताए, यानी कि यूरोप का यूरोप का भूभाग है उसको इन्होंने बहुत बड़ा दिखाया। तो अभी आपके सामने एक दूसरा मैप भी आ रहा होगा जिसमें आप नील नदी का उद्गम है वो देख पा रहे होंगे। नील नदी का उद्गम वर्तमान में हम जानते हैं कि विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील के रूप में, और ब्लू नील है वो इथोपियन उच्च भूमि है उससे निकलती है, और ये दोनों जो खार्तूम है वहां जाकर मिल जाती है और सूर नामक दलदल का निर्माण करती है। तो आपने इसको अच्छे से टैली कर लिया होगा, आप मैप्स को ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपके अच्छे से मैप माइंड में सेटिंग हो जाए उनकी। तो देखते हैं अभी हम आगे, हेरोडोटस के आप दो मैप देख चुके हैं, आप उनको अच्छे से टैली करके बना सकते हैं। तो अभी हेरोडोटस के योगदान में हम देखते हैं कि कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया, ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इनसे पहले जो भी विद्वान थे उन्होंने कैस्पियन सागर को जो विश्व का जो उत्तरी महासागर है वो
उसकी भुजा बताया था, इन्होंने सही बताया था कि आंतरिक महासागर है। और जो हेरोडोटस है वो उन्होंने प्रजातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। विश्व की लगभग अफ्रीका में रहने वाली लगभग सभी प्रजातियों का इन्होंने वर्णन किया था। और बेसिकली इनको ऐसे माना जाता है कि इन्होंने हिकेटियस के मैप्स को और इनसे जो भी पहले वाले थे इनको कॉपी किया। तो कई विद्वानों ने इन्हें फेबुल मोंगलर भी कहा है। फेबुल मोंगलर का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानीकार, अपने मन में जो बना दिया, इनका कोई प्रूफ नहीं था इसके पास, तो इसलिए इनको फेबुल मोंगलर भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से माइंड में आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि फेबुल मोंगलर, कई विद्वानों ने इन्हें फेबुल मोंगलर भी कहा है। और नील नदी में आने वाली बाढ़ का ऐतिहासिक वर्णन किया, उसका कारण भी आपने देखा। और नील नदी का उद्गम भी इन्होंने एटलस पर्वत माना, जबकि हमने देख लिया मैप में कि विक्टोरिया झील है नील नदी का उद्गम। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अपने हेरोडोटस की मान्यता थी कि समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट आपके डायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये हेरोडोटस का स्टेटमेंट है। इन्होंने ये भी बताया कि जो भूगोल और इतिहास है वो दोनों अलग अलग नहीं होकर एक ही प्रकार के विज्ञान है, इनका आपस में संबंध है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। और हेरोडोटस एक अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक था। अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक का मतलब इन्होंने जो अफ्रीका की थी बहुत सारी प्रजातियों का इन्होंने वर्णन किया था, इसलिए इनको अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक या इथनोग्राफर भी इनको माना जाता है। और इन्होंने अटलांटिक कोस्ट पर रहने वाली जनजातियों के बारे में बताया था, डमकोम्बर्स के बारे में। इसका जिक्र हम एक पहले भी एक लेक्चर में कर चुके हैं। डमकोम्बर्स का मतलब होता है कि जो व्यापारी लोग थे वो वस्तुएं लेके आते थे और स्वर्ण, वहाँ जो जनजाति रहती थी वो स्वर्ण लेके आती थी, वस्तुएं और स्वर्ण का आदान प्रदान होता था। तो वो व्यापारी अपने नाव में सामान लेके आते थे और वो क्या करते थे कि तट पर वस्तु रख देते थे, और जो जनजातिवासी जो लोग थे वो क्या करते थे कि अपना वो स्वर्ण लेके आते थे और यहाँ रख देते थे। और जब तक व्यापारी संतुष्ट नहीं हो जाता कि हाँ ये जो वस्तु है इसका इतने स्वर्ण के मूल्य के बराबर है, तब तक वो स्वर्ण को नहीं छूते थे। और फिर वो आके जो जनजातिवासी थे वो वापस आके वहाँ स्वर्ण और रख जाते थे ताकि ये इसके बराबर हो उसके वस्तु के। तो स्वर्ण बेसिकली हम समझ सकते हैं कि सहा, इन्होंने ऐसे फिक्स बताया नहीं कि ये जो डमकोम्बर्स करने वाले जो जनजाति थे वो किस कोस्ट पे थे। इन्होंने बेसिकली बोला है कि अटलांटिक कोस्ट, जगह का वर्णन इन्होंने नहीं किया। तो जगह का हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जो अफ्रीका है उसमें सहारा के आसपास जो सहारा मरुस्थल है, यहाँ कोई भी स्वर्ण की खाने नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्वर्ण है, जो दक्षिणी अफ्रीका है वहाँ स्वर्ण मिलती है बेसिकली खाने है जो। तो हमें पता चलता है कि ये जो अपना है होटल टोंट और ये जो जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल, तो यहाँ वाले जो है जो जनजाति है वो यहाँ की हो सकती है, कालाहारी मरुस्थल ना। तो हो सकता है कि उस टाइम इन्हें नहीं पता हो कि ये सहारा मरुस्थल है कालाहारी, क्योंकि सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा था, तो हो सकता है इन्होंने इस हिसाब से नाम दे दिया, जबकि ये कालाहारी मरुस्थल था। और कालाहारी और नामीबियन यहाँ दो डेजर्ट हैं अफ्रीका में, तो नामीबियन डेजर्ट और नूबियन डेजर्ट है वो है इधर मिस्र में। तो नूबियन और नामीबियन में कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ नामीबियन डेजर्ट है और यहाँ बेसिकली होटेंटोंट जो जनजाति है वो रहती है, आदिवासी जनजाति है। तो इन्होंने जो स्वर्ण का वर्णन किया है वो यही वाला क्षेत्र है, इन्होंने बेसिकली मेंशन नहीं किया, पर इसको हम समझ सकते हैं कि स्वर्ण केवल यहाँ पाया जाता है, तो वो यहाँ की जनजाति हो सकती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इन्होंने पृथ्वी की आकृति समतल थाली या रकाबी चपटी तस्तरी नुमा मानी। अब ये तीनों ही नाम समतल थाली और रकाबी, ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। अब देखिए जो होमर थे उनके बाद हिकेटियस आए, उन्होंने अच्छा सा वर्णन दिया था, पर ये क्या थे, होमर के जो विचारों से ये ज्यादा सहमत थे। और हेरोडोटस बेसिकली पैथागोरियन संप्रदाय का अनुयायी था, तो कुछ इनकी धार्मिक मान्यताएं भी थी, तो इस हिसाब से इन्होंने क्या बताया, पृथ्वी की आकृति समतल रकाबी नुमा या थली नुमा बताई। और इन्होंने भी होमर की तरह वही सूर्य को बेसिकली पृथ्वी को महासागरीय जल से घिरा हुआ माना और सूर्य को पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हुए बताया इन्होंने भी। तो आप
हेरोडोटस होमर से ज्यादा वो था, समर्थन था, ये होमर को समर्थन करता था, न कि हिकेटियस को। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, इन्होंने प्रथम बार याम्योत्तर दिखाई तथा अक्षांश देशांतर के आधार पर विश्व मानचित्र बनाया। हेरोडोटस था, उन्होंने जो प्रधान याम्योत्तर दिखाई वो इन्होंने गलत दिखाई थी। सिनोप प्रायद्वीप से डेन्यूब नदी के मुहाने तक दिखाई, पर उन्होंने इसको गलत दिखाया। जो सबसे पहले जो शुद्ध था, जो प्रधान याम्योत्तर जो शुद्ध था, जिन्होंने मेजर करी वो थे इरेटोस्थनीज। उनको हम नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इरेटोस्थनीज को। तो फिर भी एक बार इन्होंने प्रयास किया, इसलिए हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि इन्होंने भी प्रधान याम्योत्तर दिखाई जो कि गलत थी, पर हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इस विश्व मानचित्र हम देख चुके हैं पहले ही, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद विश्व भूभाग को तीन महाद्वीपों में बांटा। एक बात आपने नोटिस करी होगी कि हेरोडोटस से पहले भी जितने भी विद्वान आए, इन्होंने भी विश्व भूभाग को तीन भागों में बांटा। अफ्रीका का नॉलेज नहीं था, नाम भी नहीं था अफ्रीका का, तो इन्होंने क्या बांटा था, यूरोप, एशिया और लीबिया। यह आपने मैप में टैली कर लिया होगा। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे, हेरोडोटस को बेसिकली हिस्ट्री के लिए जानते हैं हम। इनका योगदान हिस्ट्री में ज़्यादा है, पर उस टाइम भूगोल एज इट इज ऐसा कोई शाखा भी विकसित नहीं हुई थी। तो इनके ग्रंथ से भी हमें भूगोल का काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है। बेसिकली जो प्रजातियाँ हैं उनके बारे में इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्णन किया। तो फेबुलर मोंगलर भी कहा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बताया, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट इरेटोस्थनीज की बात करते हैं। ग्रीक थिंकर में नेक्स्ट है अपने इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज का जन्म साइरेन लीबिया में हुआ था। लीबिया जो अफ्रीका है उसके उत्तरी भाग में है, लीबिया, साइरेन लीबिया। इसकी लोकेशन आप एटलस में देखेंगे तो टैली कर पाएंगे। लीबिया बड़ा देश है अफ्रीका का और उत्तरी भाग में भूमध्य सागर के जस्ट कोस्ट पर ही है लीबिया। तो ये ग्रीक गणितज्ञ, खगोलज्ञ और भूगोलवेत्ता, कवि थे, कवि थे ये बेसिकली, भूगोलवेत्ता कवि। तो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, गणितज्ञ भी थे, खगोलज्ञ भी थे और भूगोलवेत्ता भी थे। तो इन्होंने प्रथम बार पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। प्रथम बार, इससे पहले ज्योग्राफी शब्द था ही नहीं प्रचलन में, इन्होंने प्रथम बार वर्णन किया, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं हिकेटियस को कहते हैं, हिकेटियस को इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो भी उनके पास सूचनाएं थी, जो भी उनको उनको जो नॉलेज था, उन सबका एक संकलन किया था, उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से जो उन्होंने संपादन किया था उसका, तो इसलिए उनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, हिकेटियस और इरेटोस्थनीज दोनों को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। और इन्होंने इक्वेटर की सर्वप्रथम शुद्ध लंबाई भी ज्ञात करी। इससे पहले किसी ने नहीं करी थी, इक्वेटर की भूमध्य रेखा की सर्वप्रथम शुद्ध लंबाई इन्होंने ज्ञात करी थी। इसके इन्होंने एक और कैलकुलेशन भी करी थी। ये बेसिकली थेल्स की परंपरा के वैज्ञानिक थे, थेल्स की परंपरा। थेल्स की जो हमने पढ़ा था, थेल्स ने गणितीय प्रमेयों का विकास किया था और त्रिकोणमिति का भी विकास किया था। तो थेल्स के जो इन्होंने गणितीय प्रमेय को यूज करके इक्वेटर की शुद्ध लंबाई बताई, और इन्होंने पृथ्वी की परिधि का भी मापन किया, पृथ्वी की परिधि का मापन किया जो कि 25,000 मील बताई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार नेट में, पृथ्वी की परिधि बताई थी इन्होंने 25,000 मील। तो जो परिधि है वो 25,000 मील तो नहीं है, पर इनकी जो कैलकुलेशन थी वो नियर थी थोड़ी सी, वो 24,860 मील है, 24,860 मील। तो फिर भी ये बहुत, उस टाइम इतने इक्विपमेंट नहीं थे, फिर भी बहुत नियर का जो डाटा है इन्होंने बताया था। और इसकी गणना इन्होंने किस हिसाब से की थी वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि हम छोटी क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो समांतर रेखा है, उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस आधार पे इन्होंने इसकी कैलकुलेशन की थी, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। और इनको फादर ऑफ जियोडेजी, भूगणित का भी पिता कहा जाता है। अब देखिए, भूगणित और गणितीय भूगोल दोनों अलग अलग शब्द है, भूगणित और गणितीय भूगोल। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं, थोड़ा सा यहां बता देती हूँ। भूगणित और गणितीय भूगोल,
भूगणित का पिता तो कहा जाता है एरिस्टोटल को, और गणित या भूगोल का पिता किने कहा जाता है, थेल्स थे ना, थेल्स को, थेल्स को और एनैक्सिमेंडर को कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भूगणित और गणितीय भूगोल, थेल्स और एनैक्सिमेंडर थे वो गणितीय भूगोल के नींव रखने वाले थे, बेसिकली फाउंडर थे, गणितीय भूगोल का पिता उन्हें कहा जाता है। और इक्वेटर की सर्वोत्तम शुद्ध लंबाई ज्ञात करी, पृथ्वी की परिधि की भी लंबाई ज्ञात करी इन्होंने, सूर्य के व्यास का पता लगाया, लीप ईयर की खोजकर्ता भी थे ये। तो बेसिकली इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जियोडेसी भूगणित का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक क्रोनोलॉजी, वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। साइंटिफिक क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि घटनाओं के विज्ञान को समयबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से उनको प्रस्तुत करना। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय के अनुसार ये व्यवस्थित करना। और अक्षांश देशांतर आधारित वर्ल्ड मैप भी दिया इन्होंने, इन्होंने भी कोशिश करी थी अक्षांश देशांतर पर बेस्ड मैप बनाने की, पर इनका जो मैप था उसमें आप बहुत सारी गलतियां पाएंगे। और इन्होंने विश्व का जो विस्तार है वो इन्होंने बताया कि पूर्व से पश्चिम जाता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण है, यानी कि इनको पता चल गया था कि उत्तरी गोलार्ध में जाता है जो जो विश्व है उसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में जाता है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में। तो इस आधार पर इन्होंने अक्षांश देशांतर के आधार पर वर्ल्ड मैप विकसित किया। और ज्ञात विश्व के लिए इन्होंने एक शब्द दिया, एक्यूमिने या एक्यूमिने। तो आपको ये शब्द ध्यान में रखना होगा कि एक्यूमिने शब्द किसने दिया था। तो एक्यूमिने शब्द दिया था एरिस्टोटल ने। एक्यूमिने का मतलब होता है ज्ञात विश्व। उस टाइम क्या था कि विश्व के बहुत सारे ऐसे जो स्थान थे उनकी खोज नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए जो ये थिंकर्स थे उसके लिए टेरा इनकॉग्निटा शब्द का यूज करते थे, या अज्ञात विश्व का यूज करते थे उस शब्द के लिए। और इन्होंने एक्यूमिने शब्द दिया ज्ञात विश्व के लिए। तो आप ये भी थोड़ा रख सकते हैं पॉइंट को। और इन्होंने विश्व को सबसे पहले 5 क्लाइमेट जोन में बांटा था। सबसे पहले जलवायु कटिबंध है वो इरेटोस्थनीज ने दिए थे, तो इनको जलवायु का भी नॉलेज था। और जो 5 कटिबंध बताए थे वो थे टोरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। टोरिड उष्ण कटिबंध, टेम्परेट जो नॉर्थ और साउथ में दो शीतोष्ण कटिबंध बताए, और नॉर्थ साउथ में दो शीत कटिबंध बताए। जैसे कि हम अभी भी हम देखते हैं कि जो अपने दिखाते हैं पृथ्वी को, तो 5 कटिबंध अभी भी बनाते हैं हम। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी थी इस परंपरा की कि जलवायु कटिबंधों में इन्होंने बांटा था। तो ये भी आप अच्छा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने हेरोडोटस और एरिस्टोटल की स्टडी करी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हमने देखा, तो आप समझ पाए होंगे इसको। अभी अपने नेक्स्ट ग्रीक थिंकर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंकर में हम देखेंगे हिपार्कस। हिपार्कस ग्रीक थिंकर था। इनका जन्म 190 से 120 BC इनका टाइम पीरियड था, और इनका जन्म नेसिया टर्की में हुआ था। हिपार्कस का जन्म नेसिया टर्की में हुआ था। टर्की का मैप आपने पहले ही देख लिया है और बनाया भी होगा। और ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमर थे और भूगोलविद और गणितज्ञ थे। एस्ट्रोनॉमर हिपार्कस का जो ग्रीक जो परंपरा चली आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान था। और देखते हैं हिपार्कस त्रिकोणमिति का संस्थापक था। इनसे भी पहले थेल्स और एनैक्सिमेंडर ने भी त्रिकोणमिति और गणितीय प्रमेयों का प्रयोग किया था, और उन्होंने नींव डाली थी। और बेसिकली हिपार्कस के टाइम तक आते आते इन्होंने अच्छा त्रिकोणमिति का ज्ञान अर्जित कर लिया था। और हिपार्कस ने तारागणों की एक सूची बनाई थी, कैटालॉग ऑफ स्टार्स, जिसमें इन्होंने 850 तारों का संग्रह किया था। 850 तारे इन्होंने गिने थे, उनका अलग अलग नामकरण किया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इन्होंने तारागणों का एक संकलन किया था और उसे कैटालॉग ऑफ स्टार्स, तारों की एक सूची बनाई थी। और अक्षांश देशांतर के आधार पर विश्व को क्लाइमेटा में बांटा, अक्षांश पेटियों में बांटा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इरेटोस्थनीज ने 5 बताए थे जलवायु कटिबंध, उसी प्रकार से हिपार्कस ने विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो ये अलग अलग जलवायु प्रदेश पूछे जाते हैं। आगे अरब जो अपने थिंकर्स पढ़ेंगे वो भी विश्व को अपने हिसाब से जलवायु कटिबंधों में बांटेंगे, तो ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिपार्कस ने एक अन्य महत्वपूर्ण क्या कार्य किया कि वृत्त को, संपूर्ण पृथ्वी को वृत्त मानते हुए उसे
उसे 360 डिग्री में विभाजित किया। इन्होंने ये जो परंपरा थी ये असीरियन जो गणितज्ञ थे उनसे इन्होंने ये अडॉप्ट करी थी। असीरियन गणित के अनुसार इन्होंने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया और 360 डिग्री में विभाजित किया और जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा फिर उस 90 डिग्री चलते रहते हैं अक्षांश में 90 डिग्री नीचे, तो इस प्रकार से पूरे जो वृत्त है वो इन्होंने क्या बताया 181 बताए और 181 में जो वृत्त था वो इक्वेटर था। इक्वेटर को इन्होंने वृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल बताया। तो ये भी इन्हीं की देन है जो आज हम देख पा रहे हैं, जो ग्रेट सर्कल है इन्होंने ही बताया सबसे पहले। और आगे इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था एस्ट्रोलैब यंत्र का आविष्कार। एस्ट्रोलैब यंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एस्ट्रोलैब यंत्र है वो बेसिकली जो समुद्री नाविक थे जो यात्रा करते थे उनके लिए था, उनके लिए अक्षांश देशांतर निर्धारित करने के लिए और सूर्य और चंद्रमा तारों के आधार पर स्थिति निर्धारित करने के लिए कि हाँ हम कौन से डायरेक्शन में है, किस अक्षांश पर है, इसका पता लगाने के लिए इन्होंने एस्ट्रोलैब यंत्र का आविष्कार किया था। इसी प्रकार से बार्कस ने आगे इक्विनोक्स प्रदीप्त वृत्त का वर्णन किया। इक्विनोक्स का मतलब होता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, सूर्य इक्वेटर पर लंबवत होता है, तो दिन रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं, तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को ये स्थिति बनती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इसे ही इक्विनोक्स कहते हैं। ये आप क्लाइमेट में और आगे इसका डिटेल में स्टडी करोगे। इसके अलावा हिपार्कस की जो इम्पोर्टेंट जो खोज थी या इम्पोर्टेंट जो देन थी वो ये थी कि इनसे पहले पृथ्वी को एक जो भी पृथ्वी का जो रिप्रेजेंटेशन था वो सिर्फ 2D में कर सकते थे, 3D में इनके पास कोई टेक्निक नहीं थी। तो इन्होंने ग्लोब को ग्लोब से प्रोजेक्शन टेक्निक्स इन्होंने दी, स्टीरियोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शंस थे वो इनके बाद से जो इन्होंने शुरुआत करी थी, इन्होंने आविष्कार किया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है इनकी कि इन्होंने स्टीरियोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए बेसिक तैयार किया। तो ये पार्कस का काम बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख पा रहे होंगे त्रिकोणमिति की प्रमेय को ये यूज कर रहे हैं, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोलैब यंत्र जिसको एस्ट्रोनॉमिक कंप्यूटर भी कह सकते हैं आज का हम, आज के जो कंप्यूटर है उसके समकक्ष जो एस्ट्रोलैब यंत्र था वो था। तो एस्ट्रोलैब यंत्र आप समझ पाए होंगे। इन्होंने उपसौर अपसौर उपभू अपभू का वर्णन किया। उपसौर क्या होता है, उपसौर और अपसौर, उपसौर को पेरिहेलियन भी बोलते हैं, पेरिहेलियन एपिहेलियन। पेरिहेलियन का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, सूर्य के बिल्कुल पास होते हैं पृथ्वी, उस वाली डिस्टेंस को उपसौर बोलते हैं। उपसौर की जो स्थिति है वो 3 जनवरी को बनती है और अपसौर की स्थिति है वो 4 जुलाई को बनती है। ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नेट के अंदर, ये 3 जनवरी को बनती है उपसौर और ये वाली स्थिति है वो 4 जुलाई को बनती है, 4 जुलाई को बनती है। अपसौर होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जब दूर होती है पृथ्वी, मैक्सिमम दूरी पर होती है और ये मिनिमम डिस्टेंस है वो। इसी प्रकार से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं उपभू और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपभू। पेरिजी और अपोजी, इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रख सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षीय भ्रमण का वर्णन किया है। पार्कस ने ये भी एक इम्पोर्टेंट काम किया कि इन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा की जो कक्षा में जो किस प्रकार भ्रमण होता है उसका भी वर्णन किया और जो ऑर्बिटल जो इनका मोशन होता है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। अब नेक्स्ट हिपार्कस के बाद हिपार्कस ने गणितीय परंपरा का विकास किया और यंत्र भी दिया। इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य की जलवायु प्रतिबंध भी बताए। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें देखते हैं पोसिडोनियस को। पोसिडोनियस हिस्टोरियन था, बेसिकली हिस्टोरियन इतिहासज्ञ था और भूगोलविद भी था, इतिहासज्ञ था और भूगोलविद भी था, ज्योग्राफर भी था। पोसिडोनियस का मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है भौतिक भूगोल में, इसीलिए इसे फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इसकी जो बुक है उसका नाम है द ओशन। ज्योग्राफी में ये जो बुक है इनके नाम डायरेक्ट आ जाते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा इन पे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो द ओशन है, इसको
उसको आप याद रख सकते हैं और आप इनकी जो बुक्स हैं उनका एक अलग से लिस्ट भी बना सकते हैं ताकि आप उनको रिवाइज कर पाए बार बार, तो आपके लिए एग्जाम टाइम में वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। द ओशन इनके बुक का नाम था और इन्होंने ही सबसे पहले महासागरों की गहराई को ज्ञात करने का प्रयास किया था। फिजिकल ज्योग्राफी में इनका यही योगदान है। इसके बाद इन्होंने दीर्घ और लघु ज्वार का वर्णन किया। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार क्या होते हैं, जब सूर्य चंद्र और पृथ्वी एक स्थिति में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आते हैं, और जब लंब कोणिक होते हैं या समकोणिक पोजीशन पर होते हैं तो लघु ज्वार आते हैं। ये भी हम ओशन का पार्ट है, ये ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे अपने। तो दीर्घ और लघु ज्वार का वर्णन किया और इन्होंने बताया, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी इन्होंने जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये इन्होंने सही बोला था। इनसे पहले जो भी विद्वान है उन्होंने ये कहा कि अधिकतम तापमान है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वो बसाव योग्य नहीं है। इनसे पहले जो भी विद्वान आए थे उन्होंने ये कहा था, पर इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो अधिकतम तापमान है वो अयन रेखीय जो क्षेत्र है, अधिकतम तापमान अयन रेखीय क्षेत्र को बोल सकते हैं, जैसे जो जो अपनी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके आसपास 23.5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री के आसपास या 25 डिग्री तक भी मान सकते हैं अपने, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 23.5 से नीचे साउथ से 30 साउथ तक मान सकते हैं इसको, मतलब अयन रेखीय क्षेत्रों में मिलते हैं, जो कि इन्होंने तो कहा कि 0 डिग्री के आसपास मिलते हैं। तो इनसे जो पहले विद्वान थे उन्होंने कहा कि 0 डिग्री के आसपास मिलते हैं, तो इस चीज़ को हम बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर उस टाइम क्या था कि लोग उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते थे तो इनकी बात ये नहीं मानी गई। इसके बाद इन्होंने जो पृथ्वी की परिधि है वो 18,000 मील कैलकुलेट करी थी। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि 25,000 मील कैलकुलेट करी थी इरेटोस्थनीज ने और वो ऑलमोस्ट सही थी, उनकी 24,860 मील है एक्चुअली, बट उन्होंने 25,000 मील बताई थी तो उनकी सही थी। और इन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी इनकी मिस्टेक हो गई थी, इन्होंने 18,000 मील बताया, तो लोगों ने क्या किया कि जो इन्होंने सही बताया उसको तो नहीं माना और जो गलत बताया उसको लेकर चल पड़े। तो ये इनके साथ बहुत ट्रेजडी हुई कि ये कहते रहे कि अधिकतम तापमान है वो जो अयन रेखीय क्षेत्र है वहाँ मिलता है, किसी ने नहीं माना, और ये जो गलत था ना इसको लोगों ने मान लिया, इसको मान लिया। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे पिछली बार आया था 25,000 मील किसने बताई थी, तो इस बार ये भी आ सकता है ना 18,000 मील किसने बताई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। अब देखेंगे प्लूटो को। प्लूटो महान दार्शनिक था, खगोलज्ञ था, और प्लूटो था वो जो प्लूटो था वो ग्रीक थिंकर में बहुत एक बड़ा नाम है इनका प्लूटो का। तो प्लूटो का टाइम पीरियड देते हैं 427 से 347 BC। प्लूटो खगोलज्ञ थे और दार्शनिक थे, ये चिंतक थे एक बेसिकली, और इन्होंने सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। सोलर सिस्टम में इन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है वो भू केंद्रित है, जितने भी ग्रह सूर्य चंद्रमा है वो सब पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, तो ये इन्होंने गलत बताया था पर इसको लोगों ने मान लिया था। इसके अलावा इन्होंने जो कक्षीय भ्रमण था उसके बारे में भी बताया था और जियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया था। इन्होंने भू केंद्रित विचारधारा का समर्थन किया था। इनसे पहले भी कई विद्वान आए थे, उन्होंने भी भू केंद्रित विचारधारा का समर्थन किया था। इन्होंने पृथ्वी की आकृति है वो इलिप्टिकल बताई थी। इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त बताई थी इन्होंने। तो ये थोड़ा सा पृथ्वी की आकृति के बारे में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस विद्वान ने क्या बताई थी, तो ये क्या बताई थी, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त बताई थी। दीर्घवृत्त बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि वृत्त होता है उसमें आर रेडियस है, तो हम सेंटर से कोई भी पॉइंट पे जाएंगे तो ये आर सेम होगी सबकी आर, ये थोड़ा सा समझ लीजिए वृत्त और दीर्घवृत्त में क्या चेंज है। और ये है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त में ये वाली डिस्टेंस अलग होती है और ये वाली डिस्टेंस, मतलब कि सेंटर से कहीं भी जाएंगे तो ये डिस्टेंस सेम नहीं मिलेगी अपने को। तो जैसे ये ए मान ली तो ये बी हो जाएगी, समझ पा रहे होंगे आप, जैसे ये भी ए है और ये बी है, तो ये दीर्घवृत्त हो गया और ये वृत्त हो गया। अब देखते हैं कि सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट भी दे दिए इन्होंने। अब इन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी है उसकी अप्रोच होती है, अप्रोच डिडक्टिव इंडक्टिव, ये आप आगे बहुत बार आएंगे अपने, तो आप यही समझ लो इनको। निगमनात्मक का मतलब होता है डिडक्टिव, इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव। निगमनात्मक का मतलब होता है जब तर्कों की रचना होती है, जैसे कोई भी थ्योरी है या फिर कोई भी सिद्धांत देते हैं उससे पहले उसकी एक हाइपोथेसिस बनानी होती है या फिर उसकी एक थ्योरी अवधारणा मान्यता है, सब कुछ होता है उसमें, अजम्पशंस क्या है उसकी, क्या बेसिस ली है, तो उसमें तर्कों की रचना क्या है,
सामान्य से विशेष की ओर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? निगमनात्मक। निगमनात्मक में क्या होता है? सामान्य से विशेष। तर्कों की रचना सामान्य से विशेष में होती है। सामान्य से विशेष जैसे कोई भी नियम होता है तो वो निगमनात्मक में आता है, तो आप इस बात को ध्यान में रख सकते हो। थोड़ा निगमनात्मक अप्रोच थी, और इनके शिष्य आएंगे अरस्तु, उनकी अप्रोच है वो हो जाएगी आगमनात्मक। और आप फादर ऑफ एथनोग्राफी भी कहते हैं इनको, जो प्लूटो है उनको नृवंश विज्ञान के पिता भी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य के बारे में वर्णन करने वाली विज्ञान है उसको नृवंश विज्ञान कहते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक थे या अग्रणी पायोनियर एथनोग्राफर थे तो वो थे हेरोडोटस। हेरोडोटस ने भी बहुत सारी जनजातियों का वर्णन किया था, तो उनको भी ये अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक कहते हैं। तो इसी प्रकार इनको फादर ऑफ एथनोग्राफी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन थ्योरी में अपने लिखवा नहीं पाते हैं और क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको फिर थ्योरी में इंक्लूड करना पड़ता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क करके रखिए। एक वो फेबल मोंगलर था हेरोडोटस वाला, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं अरस्तु के ही शिष्य, सॉरी प्लूटो के शिष्य अरस्तु को। अरस्तु के शिष्य होंगे सिकंदर, सिकंदर महान। तो अरस्तु को पढ़ते हैं। अरस्तु 384 से 322 BC इनका टाइम पीरियड था, और ये थे दार्शनिक और नियतिवादी। नियतिवादी का मतलब होता है कि प्रकृति ही सर्वोच्च है, और प्रकृति है वो मानव को कंट्रोल करती है, प्रकृति नियंत्रण करता है। तो अरस्तु थे वो नियतिवादी थे, प्रकृति को सर्वोच्च मानते थे, और मानव का स्थान है वो एक बच्चे की तरह मानते थे, प्रकृति की सर्वोच्चता। और इनको इनकी बुक है वो है मेट्रोलॉजिका। तो इनकी इन्होंने और भी कई सारी बुक लिखी थी। कई बार ये होता है कि अपने को कोई दूसरी बुक आ जाती है तो हमें लगता है कि ये उनकी बुक नहीं थी, पर मेट्रोलॉजी का जो बुक थी उसमें ज्योग्राफी का वर्णन है, इसलिए हम यहाँ मेट्रोलॉजी का ही पढ़ रहे हैं बुक का नाम। और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी और टेलियोलॉजी का अप्रोच के भी इनको कहा जाता है फादर। टेलियोलॉजी का अप्रोच है प्रथम प्रयोजन, टेलियोलॉजी के अप्रोच को हिंदी में प्रयोजनवादी या ईश्वरवादी कहते हैं। तो प्रयोजनवादी का मतलब है कि संसार में या विश्व में जो कि जो कुछ भी पृथ्वी पर जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उनका नियंत्रण करता ईश्वर है, या फिर ईश्वर की जो योजना थी पूर्व निर्धारित उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। मतलब कि मानव का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता उसमें, मानव नियंत्रण करता नहीं है, ईश्वर जो सर्वोच्च सत्ता है उसने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, उसकी योजना है, उनके अनुसार ही हम सब काम कर रहे हैं। तो ऐसा इनका मानना था, पहले ऐसा मानना था, पर अभी तो हम जानते हैं कि मानव है वो अपनी नियति का खुद निर्माता है। अस्तित्ववाद पढ़ेंगे हम तो बहुत सारे वाद आएंगे आगे आगे, जैसे जैसे विकास होगा तो ये सारी धारणाएं बदलती जाएगी, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। अस्तित्ववाद, उपयोगितावाद, बहुत सारे वाद आएंगे आगे तो हम उनमें पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख रहे थे कि अरस्तु है वो प्रथम प्रयोजनवादी या ईश्वरवादी जो था, विद्वान था। इन इनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे रिटर, तो रिटर को भी प्रयोजनवादी कहा जाता है। टेलियोलॉजिक अप्रोच है जो उसका उसका उपयोग करता है, उसका समर्थन करता था। दूसरी बात, इन्होंने जैसे कि हमने पढ़ा था कि पोसिडोनियस ने कहा था कि अधिकतम तापमान है वो अमेरिकी क्षेत्रों में मिलते नहीं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो जैसे जब अरस्तु का टाइम था, अरस्तु से इनसे ज्यादा ये फेमस थे, अरस्तु फेमस थे, तो अरस्तु ने जब कह दिया कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वो मानव के बसावियों के नहीं है, तो फिर इनकी बात को कौन मानता? तो पोसिडोनियस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, जो इन्होंने सही बात बोली थी वो लोगों ने नहीं मानी। और इन्होंने जो कहा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वहां मानव का बसाव हो ही नहीं सकता, वहां इतनी अधिक उष्णता है कि वो रहने लायक स्थान हो ही नहीं सकता, तो सबने अरस्तु की बात को समर्थन दिया। अरस्तु ने ज्वारभाटा भूकंप और ज्वालामुखी का वर्णन किया। फिजिकल ज्योग्राफी में भी इनका काफी सारा योगदान था। ज्वारभाटा की उत्पत्ति, भूकंप की उत्पत्ति और ज्वालामुखी का वर्णन किया, क्योंकि ये ग्रीक जो पोर्शन है भूमध्य सागर के जो उत्तर का भाग है, ग्रीक जो यूनान है वो लोकेशन ही ऐसी है कि वो एक कमजोर भूकंप पेटी वाले क्षेत्र है, तो वहां भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया था। तो प्रत्यक्ष दर्शन किया था तो ये अध्ययन करने के बाद ये बता सकते थे। तो इन्होंने बताया, ज्वारभाटा भूकंप और ज्वालामुखी का वर्णन किया, उनके कारणों की व्याख्या करी। अब देखिए प्लूटो का जो अप्रोच था वो था निगमनात्मक, और
अरस्तु का जो अप्रोच है वो आगमनात्मक या इंडक्टिव अप्रोच था इनका. इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि इसमें जो तर्कों की रचना होती है वो विशेष से सामान्य की ओर होती है. आगमनात्मक में क्या होता है, तर्कों की रचना विशेष से सामान्य, और इसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है. तर्कों की रचना विशेष से सामान्य की ओर होती है. इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी बहुत काम आएगा. फर्स्ट पेपर में है ना, उसमें भी काम आएगा विशेष से सामान्य. फर्स्ट पेपर का भी आप अगर कभी चाहोगे तो उसमें भी मैं थोड़ा बता सकती हूँ आपको कैसे हेल्प करी जाए. तो उसमें आपकी एक पूरी की पूरी यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, है ना, तो उसमें ये सारी अप्रोच है वो काम आती है. हिप्पोक्रेटस को पढ़ेंगे. हिप्पोक्रेटस, हिप्पो की ओथ ली जाती है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हिप्पो की ओथ लेते हैं. तो हिप्पोक्रेटस था वो एक यूनानी चिंतक था, और इसको फादर ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ चिकित्सकीय भूगोल का पिता कहा जाता है. और इनका इन्होंने किसका वर्णन किया था, मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव का वर्णन किया था. और ये क्या थे, प्रथम पर्यावरणवादी थे, ये प्रथम पर्यावरणीय नीतिवादी. तो ये जो जो नीतिवादी हैं उनमें ये वाले क्वेश्चन, प्रथम वाले क्वेश्चन ज्यादा थे पर्यावरणवादी. तो आप ये ध्यान में रखना थोड़ा सा कि हिप्पोक्रेटस था उसको प्रथम पर्यावरणवादी कहा जाता है, क्योंकि वो जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे ना नीतिवाद का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे सैम्पल हंटिंगटन, तो उनके अलग अलग स्टेटमेंट है उनको पढ़ेंगे. सैम्पल ने तो यहाँ तक कहा था कि जो मानव है वो प्रकृति की धूल मात्र है, तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टेटमेंट है उनके, वो हम पढ़ेंगे आगे. अब हम देखते हैं थियोफेस्टस. थियोफेस्टस थे वो यूनानी बोटनिस्ट थे, वनस्पतिविद थे, और इनको फादर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी कहा जाता है. वनस्पतिविद थे ये, फादर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम वनस्पति पर वर्षा, टेम्परेचर और आर्द्रता के प्रभाव की व्याख्या करी. इसी कारण थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान, वनस्पति भूगोल का पिता कहा जाता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट इनमें जो टॉपिक है वो है कि किसको किसका पिता कहा जाता है. तो अपने को ये तो बेसिकली अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा, भूगोल का पिता, दो तो भूगोल के पिता हो गए, हिकेटियस और एरेटोस्थनीस, और भी बहुत सारे भौतिक भूगोल का पिता हो गया. तो इसमें भी हमने देखा नृवंश विज्ञान का पिता. तो ये सारे जो फादर्स हैं इनको आप एक जगह लिख लीजिए और टेबल बना के इनको याद कीजिए. तो आपको ग्रीक जो भी विद्वान है वो समझ में आ गए होंगे, और हम ग्रीक के बाद रोमन करेंगे, और नेक्स्ट ये जो विद्वान है इनको पढ़ेंगे. आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरीज डाल सकते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे अपने. तो देखते हैं पहले रोमन पढ़ें या फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करें, उस हिसाब से मैं थोड़ा प्रिपेयर करूंगी, अच्छे क्वेश्चंस बनाऊंगी. तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, हैव ए नाइस डे.